अविनाशी कहा गया है, ये समझ लो। संसार रूपी वृक्ष है ये। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके पत्ते आदि जो हैं ये इसके विभाग हैं, छंद हैं, अलग अलग टुकड़े हैं। ये तम वेद, जो इस अज्ञान रूप अंधकार में छुपे हुए इस संसार रूपी वृक्ष के ज्ञान को समझता है, स वेदवित, वह वेद के जानने वाला है, तत्वदर्शी संत है। वेदवित माने तत्वदर्शी संत, यहां देखना है नीचे शब्दों में। ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये क्या कहते हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर तो उप जड़ है, समझो इस संसार रूपी वृक्ष का, ठीक है। और इन्होंने लिखा अध शाखम का अर्थ गलत कर दिया, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं ब्रह्मा मुख्य शाखा नहीं, अपनात्मा। इस दूसरे मंत्र में इन्हीं के द्वारा अनुवाद है, दूसरे मंत्र में दूसरे श्लोक में 15वें अध्याय के में दो जगह अध शब्द है, अक्षर इसका अर्थ देखना, शब्द अध अध, यहाँ इन्होंने अनुवाद किया इस दूसरे का। अध माने नीचे, अध माने नीचे, तो हम यहाँ लिखेंगे अध शाखम ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर वाले मूल वाले, ऊपर को मूल है आदि पर यानी परमक्षर ब्रह्म तो, और नीचे को शाखा वाला, अध शाखम नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। चलो अभी नहीं के शब्दों को पढ़ लें पहले। यह संसार रूप वृक्ष, उस संसार रूपी वृक्ष को यह वेद जो मूल सहित तत्व से जानता है, संस्कृत में पढ़िए स वेदवित, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, जो तत्व से जानता है तो तत्वदर्शी संत है, जो इस संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग को यानी जड़ क्या है, तना क्या है। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वथ प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके टुकड़े हैं पत्ते आदि, और यह तम वेद को जानता स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। इस तत्व ज्ञान को 600 वर्ष पहले सचिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी अमृतवाणी को अपनी वाणी में, अपनी कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा रखा है, उसमें बताया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसार। पुणात्मा कतीनों फड़क कर बैठ जाओ, ऐसी गजब की बात आज तक देखी ना सुनी, इतनी अनमोल कथा आपको सुनाई सुना रहे हैं। पहला सांग देखने जाया करते, सारे दिन सारी रात मुंह पाड़े रन देने, हा 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 कुछ कह देखना ना सुनना कुछ हैं, और पड़े रन देने रेत में। आज परमात्मा ने कितनी दया की अपने बच्चों पर, अमृत बरसवा रहे हैं आपके ऊपर इस दास के माध्यम से। ना जाने आपके कौन से पुन उदय हुए जो ज्ञान सुनने में मिल गया, काल ने तो जो पताल में ठोक रखा था। इस दास का ऐसा प्रयत्न समझ लो जैसे कहते हैं इस पृथ्वी को समुद्र में डबो रखा था और भगवान लाए थे काट गए, तो यू ज्ञान आज इस दास ने इतने प्रयत्न से ऊपर लाना पड़ रहा है, इतना प्रयत्न हो रहा है। भगवान ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब परमात्मा के इस ज्ञान के आधार से देखिएगा, एक संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र बनाया है, ये एक पूरा वृक्ष समझो। ऊर्ध्व मूलम, गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ दो शब्द बोले हैं, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, बस ऊपर ने जो जड़ से वो पूर्ण परमात्मा है, नीचे ने तीनों गुण रूपी शाखा है, और जो इसको पूरे सर्वांग बता देगा, मूल भगवान कौन है, ये तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते कौन है, सवेदवित,
तो परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में लिखा था, कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, पातरूप संसार। तो भगवान थे ये परमात्मा, तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए थे कबीर भगवान। अब देखिएगा, ये जो जमीन से बाहर नजर आता है वो पेड़ कहलाता है, और शाखाएं ये जड़ें गुप्त होती हैं, प्रोक्स हैं, पृथ्वी में छुपी हुई होती हैं। तो अक्षर पुरुष, ये तो अक्षर पुरुष है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन भगवान बताए हैं, एक तो जड़ और ये अक्षर पुरुष, और ये क्षर पुरुष, ये मोटी डार। सर पुरुष के तीन पुत्र हैं, तीन शाखा इसके, तीन इसके जो है पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और हम यहां पात रूप संसार, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला यह संसार रूपी वृक्ष। अब इसको डिटेल से बताते हैं, अब श्रीमद् भगवद गीता को दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपको मुरबली बताएंगे। ये 15वां अध्याय का आपने प्रथम मंत्र पढ़ लिया, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी अविनाशी वृक्ष कहा है, और वेद छंदासी इससे प्रणानी, इसके सभी शाखाएं जो हैं ये सभी विभाग हैं, पत्यादि विभाग हैं, जो इसको जानता है वो तत्वदर्शी संत है। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अधः शाखम, नीचे को शाखा वाले इस संसार रूपी वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार वृक्ष को जो संत, जो भक्त, जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, जड़ से लेकर पत्तियां नहीं जानता है, स वेदवित वो तत्व, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है, पहचान बता दी। अब दूसरे में देखो, कमाल कर दिया, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी, जल से बड़ी हुई नहीं, विषय पर वाला, विषय विकारों की, विषय भोग रूप कपला देव मनुष्य और दर्रक आदि शाखाएं, योनि शाखाएं नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, ऊपर नीचे फैली हुई हैं, मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी ये तीनों रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी ही मुख्य हैं, यानी इसके मुख्य कारण है, और नीचे और ऊपर फैली हुई। और तीसरे में क्या कहा है, इस संसार वृक्ष का विस्तार स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में तेरे और मेरे डिस्कशन में, गीता जी की चर्चा में, इस गीता ज्ञान में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, यानी सारे ज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से, असंख्य शस्त्रेण का अर्थ वैराग्य रूप शस्त्र नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उसको उसे अच्छी तरह समझ कर, उसके पश्चात, ये चौथा 15वें अध्याय का चौथा श्लोक, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उनका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष को की रचना की है, और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। अब इसमें स्पष्ट किया है, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं, यह निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि धारण करना चाहिए। अपनात्मा
अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन भगवान बताए हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। अभी आपको दिखाया इस चित्र के अंदर, और जड़ वो इनसे न्यारा है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी भगवान है वास्तव। अब ये दो श्लोक इसके साथ और हमने समझने पड़ेंगे। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के 16-17, ये देखिए 15 का ये 16 का ये अनुवाद है 16। दिवौ इमौ परसो लोके सर च अक्षर है, सर शर शर सर च अक्षर है एव च सर सर्वाणी भूतानि कटुष्ठ है अक्षर उच्यते। इसका अर्थ है कि इस मिट्टी पृथ्वी वाले लोक में, क्योंकि ये सरपुरुष और अक्षर पुरुष के लोक नाशवान हैं, ये पृथ्वी वाले लोक कहलाते हैं। इन पुरुष पृथ्वी वाले लोक में दो प्रकार के परमात्मा हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार इनके लोकों में भी सभी प्राणी सर नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी सभी का होता ही है। इनका अनुवाद, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष यानी परमात्मा हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान हैं और जीवात्मा को अविनाशी कहते ही हैं, जो तो कहा जाता है। अब 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, ये लोकतरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है इनके अनुवाद में, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वह है एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार कहा जाता है। इसमें स्पष्ट हो गया है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष इनसे कोई और परमात्मा है और वही तीन वही वास्तव में अविनाशी है, वही तीनों लोकों का प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब पौधे को खुराक कहाँ से चलती है? पौधे को खुराक चलती है जड़ से, पेड़ को। पुण्यात्माओं जो इस दास के ज्ञान को विधिवत नहीं समझ पाते हैं, वो कहीं सुन लेते हैं प्रवचन में कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को गीता जी में मना किया है, तो ये सोच लेते हैं कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं छुड़वाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को हमसे दूर करता है। नहीं, हमारे तत्व इस पूरे ज्ञान को ना समझकर ही ऐसे विचार उत्पन्न हुआ करते हैं। जब आप ढंग से इसको समझ जाओगे तो फिर समझ में आएगा। जैसे ही संसार रूपी एक वृक्ष है, जड़ तो पूर्ण परमात्मा है और तना उसका अक्षर पुरुष है और डार सरपुरुष है और उसके तीन शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी, और हम तो आगे पात्र रूप में हैं। अब जैसे हम ये दास ऐसे कहता है कि आप जी ने जो शास्त्र विधि अनुसार साधना नहीं कर रखी उसको सीधा कर लो, आप भक्ति रूपी पौधे को उल्टा बीजे बैठे हो, इसको सीधा कर लो, शास्त्र रूपी साधना कीजिए, पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर उसकी पूजा कीजिए, फिर आपको लाभ जो होगा वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही देंगे। शास्त्र अनुकूल साधना से हमारे शुभ संस्कार बनते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना साधना करने से हमें कोई लाभ नहीं होता, और जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तो हमारे शुभ संस्कार हमारे गुड अकाउंट में डिपॉजिट होंगे, फिर वहाँ से हमें ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमें प्रदान करेंगे, क्यों यहाँ के ये मालिक हैं, तो इनसे दूर नहीं ना हम कर सकते ना हो सकते। कोई ऐसा समझता है कि ये दास ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ने को कहता है तो वो समझ नहीं सका हमारे ज्ञान को, अच्छी तरह समझे दोबारा। अब देखिएगा, जैसे हम कोई पौधा लाए आम का, तो कैसे बीजा जाता है आम के पेड़ पौधे को, नीचे जड़ को मिट्टी में दबाया जाता है गमले बना ले, ये तो उदाहरण है एक, और टहनियाँ ऊपर होती हैं।